जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर भिलनी के खावे, माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बैर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे, चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दोना, जग में सुंदर है दोना, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। पर्युषण पर्व प्रारंभ है। जैन धर्म के सभी धर्मावलंबियों का जिन शासन में पर्युषण पर्व महापर्व है, आज से हम उस पर्व को मनाते हैं। हर जगह त्योहार उत्सव के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। सांगिकता सामूहिकता शांति का यह प्रतीक है, परमात्मा के द्वार पहुंचने का यह एक रास्ता है। मैंने यह स्तुति जो गाई है भगवान श्री राम और कृष्ण के लिए, तो यह मेरे अंतस की आवाज़ है। यह भले किस गायक ने गाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरे शब्दों से मैंने इसे गाने का आप सभी के लिए प्रयास किया है। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, करता था और करता रहूँगा। यही मेरे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण शब्द है कि हम सभी धर्म का
सम्मान करें, और जो हमारा असम्मान करता है, जो हमारा अपमान करता है, एक दृष्टि से उसे हम गौण कर देते हैं, लेकिन जब धर्म और देश की बात आती है, जब कोई अपमानास्पद शब्दों का प्रस्फुटन कोई करता है तो हम कदापि उसे सहन नहीं करते। चाहे वह मेरा पिता हो, धर्म पिता हो, धर्म गुरु हो, चाहे देशभक्त हो, देश सेवक हो, चाहे किसी भी दल का नेता हो, चाहे वह कोई भी हो, मेरे खून से रिश्ता जिसका है या जिसका नहीं है वह महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है देशभक्ति और देवभक्ति। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति का यह प्रतीक था, मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मुझे यह गाने नहीं आता है, लेकिन मैंने प्रयास किया है, पहले भी मैं यह स्तुति गा चुका हूँ। मैं आज आप सभी के लिए यह राम स्तुति और कृष्ण की स्तुति प्रस्तुत किया। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ और वर्षण पर्व की सभी को शुभकामना और हृदय से मेरा आशीर्वाद। जय पारसनाथ, जय माँ भारती। हाँ।